अब ना चाहते हुए भी मिश्री और राघव का रिश्ता तो जुड़ चुका है, वैसे ना चाहते हुए भी क्या, ये राइटर्स का ही तो किया धरा है। मतलब आपने कहानी की शुरुआत ऐसे ही की थी, अब इसीलिए यही राइटर्स थोड़े से ना रोमांटिक मोमेंट्स भी इन दोनों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरली भैया, जब आपने एक जोड़ी बना दी है तो ऑडियंस भी उनके बीच में थोड़ी सी आतिशबाजियां देखना ही चाहती है। राघव और मिश्री कैसे करीब आ गए हैं। अब ऐसा अक्सर होता है कि जो इंसान जिससे जितना दूर जाना चाहता है वो उसके उतने ही करीब आ जाता है। अब देखिए ना, राघव चाहता था कि मिश्री ये घर छोड़कर चली जाए, यहाँ जाने का क्या, वो तो उसकी बाहों में आ गई है। और इसी के साथ इनके बीच एकदम रोमांटिक सीन भी क्रिएट हो गया है। लड़की अकेली, लड़का अकेला, घर में कोई नहीं, लड़की के गीले बालों ने लड़के को परेशान कर दिया। और तो और, जरा लड़के को देखिए, उसने अपनी शर्ट भी उतार दी। अरे भाई, कुछ ऐसा वैसा तो आप समझना ही नहीं। अब जब बाल गीले थे, बालों का पानी शर्ट पर आया तो शर्ट गीली हो गई। तो राघव का कहना है कि जाओ मेरे शर्ट को 5 मिनट के अंदर धो के भी लाओ और सुखा कर भी। हाँ भाई, मिश्री के पास कोई जादू की छड़ी थोड़े ही है कि 5 मिनट में वो सब कुछ कर देगी। अब राघव का कहना है कि जबान तो तुम्हारी बहुत चलती है, थोड़ा हाथ भी चलाओ। अब ये एक मजाक वाला सीन है, लेकिन जो भी हो, राइटर ने अच्छा लिखा है। मेरे सामने शर्ट उतारते हैं अपना, और मैं तो गांव की हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं ये सब क्या कर रहे हो आप, हम ऐसी लड़की नहीं है। तो कहते ज़्यादा कुछ सोचो मत, तुम मैं ऐसे तुम्हें दे रहा था कि तुम आयन करके ला के मुझे दो। तो वो कहते हैं कि 5 मिनट में से धो भी, सुखाओ भी और आयन भी करके मुझे ला कर दो 5 मिनट के अंदर। तो मैं बोलती हूँ अरे इतने जल्दी मैं नहीं ला सकती। तो बोलते क्यों, मुँह तो तुम्हारा बहुत तेज़ी से चलता है, तो ये भी कर कर आओ जल्दी से। तो वो चले गए और अब मैं यहाँ उनके शर्ट के साथ हूँ। देखा जाए तो मिश्री पर पहला हक है राघव का, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। सच्चाई तो यही है, फिर राघव और मिश्री इस बात को माने या ना माने, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, बार बार इनके बीच ऐसे सीन होते ही रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि वाणी को इनके रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तो फिलहाल अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी पता चल गया तो सीरियल की कहानी ही खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिनों तक ये ट्रैक लंबा चलेगा। अब जरा देखिए, मिश्री के हाथ में आप खूब सारी चॉकलेट्स देख रहे होंगे। अब जिसका नाम ही मिश्री हो, उसे चॉकलेट खूब पसंद है। ये सब चॉकलेट्स है, हमारे सर ने दी, आतिफ सर ने दी हमको, क्योंकि हमें, मुझे, हम सबको एक्चुअली चॉकलेट बहुत पसंद होंगे आई गेस, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो ऐसे हमने कहा बैठे बैठे कि मुझे मीठा खाने का मन, तो वो चॉकलेट्स ला के दे दी। आपको बता दें कि मिश्री को ये चॉकलेट किसी और ने नहीं, बल्कि डायरेक्टर साहब ने दिया है। अब वो क्या है ना, मिश्री ने काम बहुत अच्छा किया, इसीलिए उसे इनाम मिला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।